हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए मैं अपडेट लेके आया हूँ, वो है फरुखाबाद जंक्शन से लेके मैनपुरी होते हुए जो कि इटावा तक हम जाएंगे, वहाँ का भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है उसका मैं अपडेट देने का आया हूँ और उसका हम स्टेटस बताने का है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको स्टेशन के नाम बता देते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरुखाबाद के बाद आएगा श्रीमद द्वारकापुरी उगरपुर, उगरपुर के बाद आएगा निपकारोरी, बीएलदासपुरी, पखना, मोटा, तखरव, भोनगांव, मैनपुरी कचेरी, मैनपुरी जंक्शन। फिर मैनपुरी जंक्शन के बाद आएगा तिंदौली, तिंदौली के बाद आएगा कोसमा, तखा, अराव, बुरहा भरतारा, फिर उसके बाद आएगा शिकोहाबाद। सॉरी, मेरे कहने का मतलब मैंने गलती से थोड़ा इटावा बोला, क्योंकि मैं ये रूट के बारे में बोलना चाहता, यानी शिकोहाबाद से लेके मैनपुरी, मैनपुरी से लेके अपना फरुखाबाद, ये मेन रूट की हम बात कर रहे थे। मैंने आपको स्टेशन के नाम बता चुका है उसके लिए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या स्टेटस चल रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आपको मैं इसका अपडेट बता देता हूँ। दोस्तों, अभी अपना फरुखाबाद से जो कि हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आएगा अपना भोनगांव, अभी वहाँ पर फिलहाल पोल्स लग चुके हैं, साथ में ब्रैकेट भी लग चुके हैं, अभी वायरिंग का भी कार्य चल रहा होगा, वो वायरिंग हो चुकी है उधर पर कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर। और अपना भोनगांव से लेके जो कि मैनपुरी आएगा, मैनपुरी जंक्शन, जो कि मैनपुरी जंक्शन तक अभी पोल्स लग चुके हैं और ब्रैकेट लग चुके हैं, लेकिन वायरिंग करना भी बाकी है, वो भी हो जाएगा। दोस्तों, फरुखाबाद से मैनपुरी के बीच जो कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि टारगेट है कि दशहरा के पहले हो सकता, मान के चलो अगर दशहरा के पहले नहीं होता या फिर दिवाली के पहले भी हो सकते हैं, दिवाली के पहले मान के चलो। तो दोस्तों, और आपको बता देते हैं कि मैनपुरी से लेके जो कि हम आगे बढ़ेंगे, जो कि अराव करके शिकोहाबाद तक बनेंगे, अभी फिलहाल मैनपुरी से लेके अराव के बीच अभी पोल्स लग चुके हैं, लेकिन अभी ब्रैकेट लगाना बाकी है और उनमें वायरिंग खींचना भी बाकी है, यानी वायरिंग खींचना। और शिकोहाबाद से लेके अराव के बीच अभी वो भी हो जाएगा, जल्द से जल्द ये हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि मैनपुरी से लेके शिकोहाबाद के बीच जो कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है वो नए साल में मार्च में हो जाएगा, मार्च में मान के चलूँ। दोस्तों, आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जो भी कोई नोटिफिकेशन में मिलेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, ऐसी और भी अपडेट लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।